watch sixth chapter of your English book, that is the four friends. ठीक है, यहाँ पर before you read there is a fill in the blanks. क्या करना है आपको यहाँ पर, the three things my friend does for me, तीन ऐसे चीज़ें लिखनी है जो आपके दोस्त आपके लिए करते हैं. तो आपके लिए, आपके दोस्त आपके लिए क्या करते हैं, क्या क्या लिख सकते हो, प्ले विथ मी है ना, शेयर थिंग्स विथ मी, और क्या कर सकते हैं, शेयर लंच विथ मी. ठीक है, आई कैन बी अ गुड फ्रेंड इफ़, मैं भी एक अच्छा दोस्त हो सकता हूँ अगर आप क्या क्या करो, इफ़ आई से थैंक यू, इफ़ आई टॉक नाइसली टू माई फ्रेंड्स है ना, इफ़ आई प्ले विथ माई फ्रेंड्स, इफ़ आई शेयर माई थिंग्स विथ माई फ्रेंड्स है ना. ऐसा ही करके आपको ये तीनों जो है, दो तीन तीन लाइन जो है, तीन तीन काम है, आप दोनों फिल कर लेना. सो हेयर इज़ अ स्टोरी अबाउट फ्रेंडशिप. यहाँ स्टोरी का नाम ही था, इस चैप्टर का नाम है द फोर फ्रेंड्स. तो फ्रेंडशिप पर ही स्टोरी कोई बेस होगी. तो और देखते हैं कि कौन सी स्टोरी है. बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लग रहा है ना पिक्चर से. एक रैट है, डियर है, क्रो है, टर्टल ट्वाइस है. सो चलो बिना टाइम वेस्ट के इंटरेस्टिंग सी स्टोरी हम लोग पढ़ते हैं. ठीक है, क्या है, इन अ फॉरेस्ट देयर लिव फोर फ्रेंड्स. एक जंगल में चार दोस्त रहते थे. ठीक है, दे वेयर अ डियर. कौन कौन थे वे लोग, एक डियर था, एक हिरन, एक टर्टल, एक क्रो एंड अ माउस, और एक चूहा. ठीक है, एवरी इवनिंग दे मेट, दे टॉक्ड, एट एंड लाफ्ड. और हर शाम को वो चारों मिलते थे, बात करते थे, खाते थे साथ में और हंसते थे साथ में. फ्रेंड्स यही करते हैं ना, मिलते हैं, हंसते, खेलते हैं साथ में. तो वे लोग भी यही करते थे. वन डे, एक दिन, द टर्टल एंड द माउस सैट निबलिंग ऑन फ्रूट्स श्रब्स एंड लीव्स. एक दिन टर्टल और माउस क्या कर रहे थे, फ्रूट्स और श्रब्स, झाड़ियाँ जो होती हैं ना, झाड़ियाँ, श्रब्स को, झाड़ियों को श्रब्स बोलते हैं. निबलिंग करते मतलब कि छोटे छोटे पीस में जो काट के खाते हैं ना, कुतर करके, जैसे रैट्स कहते खाता है छोटे छोटे पीसेस में, उसको कुतर के खाता है, तो उसी को निबलिंग बोलते हैं. तो वो सारे दोनों जो है, टर्टल और माउस, ऐसे ही अपने खाना जो है वो खा रहे थे. ठीक है, वंडर व्हेयर आवर फ्रेंड्स डियर एंड क्रो आर है ना, वो लोग बोल रहे थे क्या पता कि ये मेरे, हमारे दोस्त जो है आज हिरन और कौवा कहाँ है, क्रो कहाँ है. सेड द टर्टल, किसने कहा, टर्टल ने कहा. माउस से कहता है कि पता नहीं हमारे दोस्त जो हिरन है और कौवा दोनों आज है कहाँ. और उसके बाद क्या होता है, आफ्टर दैट जस्ट देन द क्रो केम फ्लाइंग इन, और उतने ही में कौवा जो है वो फ्लाई करते हुए, उड़ते हुए आता है. दैट्स ट्रबल ही सेड, देयर इज़ अ ट्रबल ही सेड है ना, क्या बोला, एक परेशानी, एक प्रॉब्लम हो गई है, मुसीबत आ गई है, उसने कहा. कौवा उड़ करके जल्दी से आता है और किसको बताता है, माउस को और टर्टल को, कि एक परेशानी आ गई है. व्हाट हैपेंड डियर क्रो, तो पूछता है. फिर कौन पूछता, आर यू फाइन, आफ्टर टर्टल, टर्टल पूछता क्या तुम ठीक हो, क्या हुआ डियर क्रो. आई एम फाइन फ्रेंड्स, क्या बोलता है क्रो, मैं ठीक हूँ फ्रेंड्स, बट डियर इज इन ट्रबल, मुसीबत में कौन है, लेकिन मुसीबत में है हिरन है ना. सेड द क्रो, कौवा कहता है कि मुसीबत में है हिरन है, मैं तो ठीक हूँ. डियर इज ट्रैप्ड इन द हंटर्स नेट, डियर कहाँ फंस गया, ट्रैप मीन्स क्या होता है, फंस जाना है ना. डियर जो है वो, हिरन जो है वो फंस गया कहाँ, एक शिकारी के जाल में. वी हैव टू रेस्क्यू हर, हम लोगों को उसे बचाना है. रेस्क्यू मीन्स बचाना होता है, ठीक है, रेस्क्यू मीन्स बचाना. ठीक है, तो बोलते हैं हम लोग को उसको बचाना होगा. तो टर्टल हैड एन आइडिया, और टर्टल को एक आइडिया आया, एक मतलब आइडिया सूझा. ही सेड, उसने कहा, माउस माई फ्रेंड हॉप क्विकली ऑन टू क्रोज बैक है ना. माउस जो मतलब चूहे को बोलता है, मेरे दोस्त जल्दी से उछल करके क्रो के बैक पर बैठ जाओ. गो देयर एंड निबल ऑन द नेट एंड फीड डियर, और वहाँ जाओ और नेट को, जाल को कुतर डालो और डियर को आज़ाद कर दो. एंड द क्रो फ्लू अवे विद द माउस टू फ्री द डियर, और क्रो जो क्या हुआ, कौवा जो है चूहा को लेकर के, माउस को लेकर के उड़ गया, डियर जिस जाल में फंसा था उस जाल को काटने के लिए, डियर को आज़ाद करने के लिए. Once they reached the spot, और जब वे लोग जगह पे पहुँचे, the mouse started nibbling the net, और जल्दी जल्दी mouse ने क्या किया, net को, जाल को कुतरना शुरू कर दिया. It did not take long for the mouse to free the deer, और ज़्यादा time नहीं लगा mouse को deer को free करने में, आज़ाद करने में है ना. चूहा कितनी, mouse जो है वो चीज़ों को जल्दी जल्दी कुतरता है ना, तो उसने जल्दी से कुतर करके net को काट डाला.
जस्ट जेंडर टोटोटाइज डिड स्पॉट ग्रोथ, नहीं मैं टोटोटाइज भी तो स्लो चलता है ना, कौवा तो तुरंत मुड़ करके पहुंच गया, पीछे पीछे टोटोटाइज भी आ रहा था। और जब वो माउस सारे नेट कुतर चुका था तब इतने में टोटोटाइज भी आ जाता है। व्हाई डिड यू केम हेयर, इफ द हंटर्स रिटर्न यू विल नेवर एस्केप, द डियर क्राइड, है ना। डियर जो है, हिरन जो है वो बोलता है रोते हुए कि तुम क्यों आए हो यहाँ, अगर यहाँ पर शिकारी पहुँच गया वापस आता है तो तुम भाग नहीं सकोगे। सही बात है ना, हिरन जो है वो तो हिरन है, माउस से क्रो वो तो आसानी से तेज़ी से भाग जाएंगे, बट टोटोटाइल जो है वो स्लो होता है ना, स्लो चलता है तो वो तो नहीं भाग सकता। जस्ट देन द क्रोज सॉ द हंटर्स कमिंग टुवर्ड्स हिम, और इतने में वे लोगों ने क्या देखा कि क्रो जो है, क्रो ने देखा, क्रो तो ऊपर बैठा था ना ट्री पर, तो उसने देखा कि हंटर शिकारी जो है वो उन लोगों की तरफ आ रहा है। रन द हंटर इज़ ऑन हिज वे, ही सेड, और जल्दी से उसने अपने दोस्तों से कहा कि भागो, शिकारी जो है वो अपने रास्ते में आ रहा है। All of them ran away by the tortoise was too slow, और सभी जो थे वहाँ पर से भाग गए, बट वो कछुआ जो था, tortoise जो था वो बहुत स्लो था। The hunter picked him up and tied him up, क्या किया, और हंटर ने, शिकारी ने उसको उठा लिया, पकड़ लिया और उसको बांध दिया। Now our friend tortoise is in trouble, said the deer, अब क्या बोला ये डियर ने, क्या कहा, अब जो है हमारा फ्रेंड जो है टोटोटाइज मुसीबत में है। द डियर रैन टू द पॉन्ड एंड ले डाउन ऑन द पाथ, द हंटर सा द डियर, ही थॉट इट वॉज डेड, क्या किया, जब शिकारी उसको उठा करके टोटोटाइज को बांध करके ले जा रहा था तब डियर ने क्या किया, तालाब के पास जा करके वहाँ सो गया, और उसके रास्ते में, बीच में रास्ते में सो गया। और जब हंटर ने डियर को देखा तो उसने क्या सोचा कि लगता है कि हिरन जो है वो मर गया है, व्हाट विल आई डू विद द टोटोटाइज, मैं टोटोटाइज का क्या करूँगा अब, है ना। आई विल टेक द डियर, मैं डियर को ले जाऊँगा, है ना। सेड द हंटर टू हिमसेल्फ, उसने खुद से कहा कि अब मैं, मुझे टोटोटाइज का अब क्या काम है, अब मेरे पास तो बड़ा ही शिकारी है, डियर है टोटोटाइज से अच्छा है, तो अब मैं टोटोटाइज को क्या करूँगा। तो उसने क्या किया, द हंटर वेंट नियर द डियर, हंटर जो है, शिकारी जो है वो डियर के नज़दीक है। बट द क्रो डार्टेड टुवर्ड द हंटर एंड पिक्ड एट द हंटर आइज, मगर क्रो, कौवे ने क्या किया, डार्ट किया उसके, है ना, जल्दी से उसकी तरफ, शिकारी की तरफ उड़ कर गया और उसकी आँख में अपनी चोंच मारने लगा, है ना। क्या क्या, मीन वाइल द माउस उसको डिस्टर्ब करने लगा, क्रो जो था शिकारी को, मीन वाइल, और इतने ही में द माउस क्विकली कट द कॉर्ड्स, और इतने ही में माउस ने जो है ने जो जिस रस्सी से बांध करके रखा था उसको काट दिया, और एंड फ्री द टोटोटाइज, और टोटोटाइज को आज़ाद कर दिया। फाइनली द हंटर गेव अप एंड रन अवे, और जो कौवा उसको परेशान करने लगा ना, उसको अपनी चोंच मारने लगा, उससे परेशान होकर के शिकारी ने हार मान ली और वहाँ से भाग गया। द फोर फ्रेंड्स वर हैप्पी टू बी टुगेदर अगेन, और चारों दोस्त बहुत खुश थे वापस से सब साथ होकर के, ठीक है। This was a very interesting poem. I hope that you have learned some lessons from this. And आपने, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इस स्टोरी से कुछ लेसन सीखा होगा, जैसे क्या है, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, है ना, एकता ही में बल होती है, हम लोग सब साथ रहेंगे तो कोई भी हम लोग का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सी है, हु सेड दीज वर्ड्स, ये सारे शब्द थे वो किसने कहे, व्हाट हैपेंड डियर क्रो, आर यू फाइन, क्या हुआ डियर क्रो, क्या तुम ठीक हो, ये किसने कहा था, ये आप लोग को खुद से सोचना है, और बुक में, अगर बुक नहीं है तो फिर आपको कॉपी में बनानी है, ओके। नंबर टू, मॉस माई फ्रेंड हॉप क्विकली ऑन द क्रो बैक, मॉस मेरे दोस्त जल्दी से उछलकर क्रो के बैक पर चले जाओ। इफ़ द हंटर रिटर्न्स, थर्ड है, इफ़ द हंटर रिटर्न्स, अगर हंटर वापस आता है यू विल नेवर एस्केप, तुम भाग नहीं पाओगे, ठीक है। फोर, रन द हंटर इज़ ऑन दिस ऑन हिज वे, है ना, भागो, हंटर जो है शिकारी अपने रास्ते में है, ये किसने कहा था, सोचना, सबको स्टोरी सुन चुके हो, अगर एक बार में स्टोरी आपको समझ में नहीं आती आप दोबारा से उसको फिर से प्ले करना, आपको दोबारा से समझ में आ जाएगा कि कौन सा ये वर्ड्स किसने कहे थे, ठीक है।
फाइव में व्हाट आई विल डू विद द टोटोटाइज, मैं टोटोटाइज के साथ क्या करूँगा, आई विल टेक द डियर, मैं डियर को ले जाऊँगा। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन नंबर सी जो है वो अभी बनाना है बुक में, कॉपी में, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू सेंड मी ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप। ओके चिल्ड्रेन, टिल देन बाय एंड टेक केयर।